यमसैव समुपाशते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्रेति नैयायिकाः अरहं नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं विदधातु वंचितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सोऽयं विदधातु वंचितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। इस टीचर एजुकेशन के पटल पर सभी महानुभावों को, सभी विद्वानों को नमस्कार। विशेष करके सोमू सिंह जी को मेरा अंतःकरण से अभिवादन। आप इस संकट काल में भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी सुधीजनों के लिए एक विशेष प्रकार कार्यक्रम का आयोजन करके हम सभी विद्यार्थियों का, हम सभी अध्यापकों का, हम सभी श्रोताओं का एक जिज्ञासा उत्पादन करना एवं उसको समाधान करने का एक माध्यम बने हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तथा इस पटल पर वर्तमान जितने भी इस लाइव कार्यक्रम को, सजीव कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी विद्वानों को, मित्रों को, ज्येष्ठों को मेरे अंतःकरण से यथोचित अभिवादन। आज एक ऐसा विषय मैं आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूँ जिसके बारे में हम सब पूर्व से परिचित हैं और सोमू जी के आग्रह के बाद मुझे लगा कि इस विषय के बारे में मैं रखूं। पहले से ही हम इसी विषय के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और थोड़ा इसके बारे में और विशेष रूप से चिंता एवं चिंतन दोनों ही करने की आवश्यकता है। इसलिए इस व्यक्तित्व विकास के भारतीय संदर्भ के बारे में बात करना थोड़ा चाहूँगा। विकास के संदर्भ में हम हमारे शिक्षा जगत में वृद्धि एवं विकास के तहत मनोविज्ञान में पढ़ाते हैं और आजकल हमने सर्वांगीण विकास का भी विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। सर्वांगीण विकास को हम किस संदर्भ में देख रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं और उसके बारे में किस प्रकार चर्चा करते हैं, ये सभी विषय में हम सब लोग अवगत हैं। लेकिन मैं थोड़ा भिन्न रूप से आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि हम सभी इसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं और इस शिक्षा व्यवस्था में भारतीय शिक्षा, भारतीय व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन हम जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं ये कितने दूर हमें सफल बनाएगा, इस के लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज इस विषय का उपस्थापन करना चाहूँगा। हम सभी ने शिक्षा देने के नाम से एक छोटी सी जगह में, छोटी सी जगह इसलिए मैं कह रहा हूँ, विद्यालय, महाविद्यालय समाज की दृष्टि से बहुत छोटा सा जगह है, छोटी सी जगह में, विद्यालय में शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं और इसी प्रयोग के साथ हम यह दावा कर रहे हैं कि हम समाज को पढ़ा लिखा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ा लिखा कर समाज को, व्यक्ति का विकास कर रहे हैं। परंतु हमारे बुजुर्गों, समाज में जितने भी नाना नानी, दादा दादी, यानी समाज के जितने भी अनुभवी लोग हैं, वो निरंतर इस शिक्षा प्रक्रिया और शिक्षा के ऊपर आक्षेप यह लगा रहे हैं कि इस शिक्षा से व्यक्ति पढ़ लिख कर बर्बाद हो रहा है, एक असामाजिक बनाने का हम लोग, शिक्षा व्यवस्था से असामाजिक बनाने का हम लोग कार्य करते हैं, ऐसा भी आरोप हमारे ऊपर निरंतर लग रहा है। जैसे इसका उदाहरण बताऊं, अब एक दो साल के पहले कुछ ऐसे घटनाएं घटे हैं, अभी निरंतर वैसी घटनाएं घट रही हैं कि हमारे जितने भी शिक्षित समूह हैं
वो अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने राष्ट्र जीवन में कुछ इस तरह के कुछ कार्य कर रहे हैं जिसके लिए है समाज पूरे शिक्षा जगत के ऊपर आक्षेप लगा रहा है, संवेगहीनता का आक्षेप लगाता है, सामाजिक अपरिपक्वता का आक्षेप लगाता है। अब इस समस्या का जड़ क्या है? निश्चित रूप से शायद हम सबने इस समस्या को लेकर चिंतित हैं, जिसके लिए कहा कि इस जिसका समाधान हम सदैव कहते हैं कि वह भारतीय शिक्षा। और भारतीय शिक्षा कैसा है? वह भारतीय शिक्षा है जो सभी विषयों को व्यक्ति से लेकर परमात्मा तक का, समष्टि से लेकर राष्ट्र तक का विकास को समग्र रूप से दिखता है, टुकड़ों से नहीं। आजकल हम लोग विकास के नाम पर शारीरिक विकास को अलग रूप से दिखने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति में पर्यावरण के विकास के लिए हम अलग विषय का संकल्पना करते हैं, शांति शिक्षा के नाम पर उसके शांति का विकास, उसमें संयमता का विकास के लिए हमने अलग से टुकड़ों टुकड़ों में प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से हम इसके लिए चिंतित हैं, इसलिए प्रयास करते हैं, लेकिन यह प्रयास उस दृष्टि से पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय है? जैसे मैंने कहा कि वह जो भारतीय शिक्षा का जो स्वरूप है, वह जो समग्र स्वरूप है, यह समग्र विकास का भी स्वरूप है। तो इसे समग्र विकास की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस समग्र विकास का लक्ष्य क्या है? जैसे हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विमुक्तये यानी क्या है? इस पर हमारे कई प्रश्न होते हैं। व्यक्ति का स्वभाव तो मुक्ति के उद्देश्य से है, व्यक्ति तो सदैव यह चाहता है कि वह परमात्मा बने। इसका मैं थोड़ा एक लौकिक उदाहरण से बताऊंगा। आप सोचिए व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मरना पसंद करता है, अंतिम क्षण में भी अंगम गलितम परितम मुंडम शंकराचार्य जी ने कहा है। अत्यंत वृद्धावस्था तक प्राप्त करने के बावजूद भी व्यक्ति यह चाहता है कि मैं जीवित रहूं, यानी हरेक व्यक्ति का उद्देश्य यह है वो अमरत्व को प्राप्त करे। हम यह भी सब जानते हैं कि हम सदैव यही प्रयास करते हैं कि जितने भी लोग हों उन सब में से मुझे ज्ञानी के रूप में जाना जाए, मैं सब जानता हूं। मनुष्य सदैव यह प्रयत्न करता है कि वो सदैव सुखी रहे। कोई भी प्राणी हो यह वो प्रयत्न करता है कि वह उसके नियंत्रण में, यह सर्व चराचर जगत उसके नियंत्रण में रहे, वो किसी का ना सुने, उसके सब लोग सुने, यानी वह अन्य के नियंत्रण में ना रहे और उसके नियंत्रण में सब रहे। अब इसका जिक्र मैंने कि आप देखिए अमरत्व, सर्वज्ञानित्व, सदा सुखी, अन्य के नियंत्रण में नहीं रहना एवं सबको अपने नियंत्रण में रखना, यानी सर्व नियंत्रण क्षम, ऐसा जो स्वरूप है ये किसका है? ये तो परमात्मा का स्वरूप है, यह तो ईश्वर का स्वरूप है। यानी हरेक व्यक्ति स्वभाव से परमात्मा बनना चाहता है और वही उसका अंतिम विकास, वही सार्वत्रिक विकास, वही सामग्रिक विकास। और उस विकास के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो मार्ग निर्धारित किया गया है वह मार्ग है पुरुषार्थ चतुष्टय। अब यह पुरुषार्थ चतुष्टय कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसके लिए हम चर्चा करते हैं कि हम अक्सर कहते हैं धर्म के दायरे से काम एवं अर्थ को रखने से मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति यानी समग्र विकास। उसका स्वरूप क्या है अगर थोड़े से देखें कि अब हम सब चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है। समग्र विकास के जो उद्देश्य है, समग्र विकास के रूपी परमात्मा प्राप्त रूपी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का जो उद्देश्य है वह धर्म है। धर्म यानी धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम, यानी इन गुणों के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह उद्देश्य है। इस उद्देश्य के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना क्या है? समग्र विकास। और इस उद्देश्य को, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में प्रयोग करना है काम एवं अर्थ को।
उद्देश्य प्रणोदित इच्छा यानी काम, चल पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत जो काम है वह उद्देश्य प्रणोदित इच्छा है। अर्थ क्या है? अर्थ प्रयास एवं साधन, साधन के रूप में है। साधन किसके लिए? धर्म की प्राप्ति, धर्मों के उद्देश्य से परमात्मा का उद्देश्य यानी समग्र विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृष्टि। लक्ष्य मोक्ष है यानी परमात्मा पद को प्राप्त करना है, और उस दृष्टि से काम एवं अर्थ को प्रयोग करना ही, और उस दृष्टि से परमात्मा पद को प्राप्त करना ही समग्र विकास का स्वरूप भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। केवल इतना बताने से नहीं कार्य होगा, इसके वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको युगानुकूल बनाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है। आज हम पाश्चात्य में बताए गए व्यक्तित्व विकास के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा करते हैं, लेकिन अगर हमारे उपनिषद में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में समग्र विकास की संकल्पना बताई गई है तो वह किस प्रकार है, उसके लिए अगर उपनिषद पर हम जाएं तो पंचकोशात्मक व्यक्तित्व विकास मनुष्य के व्यक्तित्व को पांचों आयाम से निरूपित किया गया है। इसी को आगे जाके पंडित दीनदयाल जी ने व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टिगत विकास, विकास के चार चरण में विकास को बांटते हैं। और जिन पर, जिस मैंने जिस प्रकार कहा कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, समाज के बुजुर्ग अनुभवी लोगों ने जो आक्षेप हमें लगाते हैं कि व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया है जिस दृष्टि से होना चाहिए, तो उन विकास का स्वरूप इसी से प्राप्त हो पाएगा। अब इनको थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि उपनिषद में पांचों आयाम विकास के, व्यक्ति विकास के पांचों आयाम को व्यक्त किया गया है, जिसको व्यष्टिगत विकास हम कहते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व को शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, इसे पांच आयाम से व्यक्त किया गया है। इनके लिए मैंने जैसे कहा कि पंचकोश का प्रयोग करते हैं भगवान शंकराचार्य ने, इनके लिए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश एवं विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश के रूप में करते हैं। मनमय, प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय आत्मा, ये उपनिषद में बताया गया है। उपनिषद के अनुसार मनुष्य मूल रूप में आत्मा है एवं इन्हीं पांचों आयाम से वह व्यक्त होता है, वह प्रदर्शित होता है। इन्हीं पांचों आयाम से अभिव्यक्त आत्मा कहें या पंचकोश कहें, उनकी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एक ही बात है कि आप मनुष्य कहें चाहे नहीं, आप पंचायाम कहें चाहे पंचकोश कहें, इन्हीं पांच आयामों के समन्वित विकास की ही विचार व्यष्टि का विचार है, व्यष्टि विकास का विचार है यानी व्यक्ति विचार का विचार है, जिसको हम आज सर्वांगीण विकास के रूप में जानते हैं, जो केवल व्यक्ति तक सीमित है, जिसको हम लोग भी मनोविज्ञान में मानसिक विकास, बौद्धिक विकास आदि बातों से चर्चा करते हैं। अब परंतु आज की जो शिक्षा व्यवस्था में कई बातों को, जैसे मैंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य की दुर्लक्षता है, मन की इच्छाओं की पूर्ति बढ़ चढ़ कर किया जाता है, मन को बस में करने की कोई उपाय ही नहीं है, प्राण बलवान होना चाहिए ये तो शिक्षा का विषय ही नहीं है, हम तो केवल किताबों को पढ़ाते, कोई व्यवहारिक ज्ञान रहा ही नहीं। हम जहाँ समग्र विकास, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, पूर्ण रूप से व्यष्टि या व्यक्ति के विकास तो हम कर ही नहीं पा रहे, और उसके लिए हमारे पास कोई योजना भी तय नहीं है। इसलिए ये सभी एकांगी विकास का विचार है। हमने मन का विचार अलग से किया, शरीर का विकास अलग से किया, और एकांगी विकास विकास से होता क्या है, कई बार शरीर विकसित हो जाता है, मानसिक विकास नहीं होता है। व्यक्तित्व का सभी अंगों का विकास का स्वरूप फिर कैसा है, तो इसलिए उन्होंने अन्नमय कोश से लेकर उसका स्वरूप कैसा हो सकता है उस पर उपनिषद में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।
देहोयम अन्न अन्न देहोयम अन्न भवन अन्नमय अस्तु कोशः। अन्नमय आत्मा, शरीर आत्मा, यानी यहाँ अन्नमय आत्मा के विषय, अन्नमय यानी शरीरमय आत्मा की बातें करते हैं। शरीर से आत्मा व्यक्त होता है, इसलिए शारीरिक विकास यानी क्या है कि शरीर बलवान होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, उचित अनुचित में वृद्धि को प्राप्त नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से विकास होना यानी पूर्ण शारीरिक रूप से विकास होना, और उसमें पाचन तंत्र से लेकर अधिसरण तंत्र, रुधिराधिसरण तंत्र तक का भी विषय सम्मिलित है। हमने केवल बाह्य शरीर का विषय नहीं है, तो उसमें पाचन तंत्र से लेकर रुधिराधिसरण तंत्र से लेकर हमारे श्वसन तंत्र तक का सभी तंत्र का विकसित है। इसके लिए हमें पता है कि उसके लिए योग शास्त्र का विकास है, और उसका प्रयास करेंगे तो वो हो पाएगा। इसका विकास किस प्रकार दिखता है? भूख प्यास जागरण करना, ठंडी गर्मी को सहन करना आदि, यानी विपरीत परिस्थितियों में सहन करने की जो क्षमता है, यह शारीरिक विकास का लक्षण है। अगर शरीर विकसित नहीं है तो इन सभी विपरीत परिस्थितियों में वो समायोजित नहीं कर पाएगा। और उसमें हम ये सब चीजों के प्रति कितने सजग हैं, इनको नियंत्रण करने के लिए कितने सजग हैं, हम ये जान पा रहे हैं। और दूसरा शारीरिक कुशलता का दूसरा जो विषय है, कार्य करने की कुशलता, उसमें विभिन्न अंगों की कुशलता। हमने मोटर स्किल की बात करते हैं, आजकल हम प्राथमिक शिक्षा से भी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से भी हमने शारीरिक विकास के प्रति ध्यान नहीं देते। फेंकना, पकड़ना, लिखना, बुनना, फेंकना, चलना, धक्का देना, खींचना, इन जितने भी सारे क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रिया का विकास है। हम उच्च शिक्षा तो छोड़िए, उच्च शिक्षा में तो शारीरिक शिक्षा का कोई स्थान तक भी नहीं है, और इसको अलग विषय के रूप में सोचते हैं, परंतु ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भी अभी इसका स्थान नहीं है। केवल पाठ्यक्रम में, किताब में हमने समग्र विकास या सर्वांगीण विकास की बातें करेंगे तो चलेगा नहीं। दूसरे सोपान में, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति विकास के दूसरे सोपान में है प्राणमय कोश, यानी प्राणमय आत्मा। आत्मा प्राण से अभिव्यक्त होता है। प्राणो भवेत प्राणमयस्तु कोशः, ये शंकराचार्य जी का उक्ति है। अब शरीर यंत्र शक्ति है तो प्राण कार्य शक्ति है, इन दोनों का आपस में व्यक्ति में संबंध है। प्राण ऊर्जा है, प्राण जीवन शक्ति है, प्राण चेतनत्व है। प्राण रूपी ऊर्जा से शरीर रूपी यंत्र कार्य करता है, अन्यथा शरीर मृत शरीर कहलाएगा। इसका भान हम सबको है, लेकिन जैसे मैंने पूर्व में ही कहा कि प्राण शक्ति का विकास होना, प्राण शक्ति के बलवान होना, इसके लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया। तो प्राण शक्ति का बलवान होना यानी प्राण शक्ति का विकास होना, उससे क्या किया जाएगा, उससे क्या लाभ होगा? व्यक्ति में आत्मविकास, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, थकान कम लगता है, व्यक्ति थकता नहीं है। जिसमें प्राणी का विकास हुआ होता है उसमें थकान नहीं लगता है, निरंतर कार्य करने की क्षमता उसमें विकसित होती है, प्रवृत्ति होती है। केवल इतना ही विषय नहीं, उसकी विधायक दृष्टि भी विकसित होती है, और उसमें अत्यंत उत्साह भाव होता है। आज हम छात्रों को केवल किताब ही किताब पढ़ाते हैं और विकास के नाम पर केवल विकास करते हैं। अब लगभग हमें यही स्वरूप दिखने लगता है। हम कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, लेकिन उस युवा देश में आत्मविश्वास की कमी है, थके हारे लग रहे हैं, निरंतर काल तक कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं है, उनमें उत्साह नहीं है, विधायक दृष्टि के अभाव है। तो उसके लिए प्राणी का विकास की आवश्यकता है, और विकास के साथ साथ प्राण शक्ति का संतुलन होना भी महत्वपूर्ण है। प्राण शक्ति के संतुलन होने से सभी अंगों के साथ सभी अंगों का समन्वय हो सकता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, उसके लिए है कि एकाग्र प्राण शक्ति, जब आप प्राण शक्ति विकसित होगा तो प्राण शक्ति को एकाग्र किया जा सकता है। आप थोड़ा अगर इस पर विचार करें,
अगर अनुभव कर पा रहे हैं, किसी भारी या श्रमयुक्त कार्य को अगर आप करते हैं, आपको सभी बलों को, सभी ऊर्जाओं को एकत्रित करने का प्रयास आप करते हैं, और उस किसी भी भारी वस्तु को जब उठाते हैं आप, सारे के सारे ऊर्जाएं एक जगह पर एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और उसको उठाते हैं, तो उसमें प्राण शक्ति एकाग्र होता है, एकत्रित होता है, और प्राण शक्ति के विकास से ज्ञानेंद्रियों की, अनुभव की शक्ति विकसित होती है। ज्ञानेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाहरी जगत से जुड़ते हैं। जुड़ना, यह जुड़ना तभी सार्थक हो पाएगा जब ज्ञानेंद्रिय संवेदनशील होंगे। दुख का भाव तभी हम व्यक्त कर पाएंगे जब ज्ञानेंद्रिय संवेदनशील होंगे, और ज्ञानेंद्रियों के संवेदनशील होने के लिए प्राण शक्ति का प्रबल होना आवश्यक है। इसके लिए आप सबको पता होगा भगवद गीता आदि बहुत विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कि यह मन चंचल कैसे होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव जब मन पर पड़ता है तब मन चंचल होता है। जब मन की बातें आ जाता है तो मनमय कोश है। केवल प्राण शक्ति का विकसित तो होने से पर्याप्त नहीं होगा, फिर उसका प्राण शक्ति का मन के से संबंध है। जैसे हमने कहा कि मन एक अद्भुत पदार्थ है, इसमें असीम शक्ति है। जब मन में तय कर लेता है तब ज्ञानेंद्रियों भी उतने ही संवेदनशील हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रिय संवेदनशील होते हैं तो शारीरिक ऊर्जाएं बढ़ जाती है, शरीर भी उस दृष्टि से समर्थ हो जाता है, यानी मन प्राण शरीर में एकाग्रता बनता है। प्राण शरीर का विकास होने के साथ साथ मनमय को उसका भी विकास होना अत्यंत आवश्यक है। असीम शक्ति हमारे पास असीम है, परंतु उस असीम शक्ति को संपादन करने में आंतरिक रूप से मन में व्यवधान बहुत है। अभी मैं जैसे कह रहा था तस्या हम निग्रह मन्य वायुरिव सुदुष्करम, बहुत सारे मन में विचलता है, हम मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे। मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे तो ज्ञानेन्द्रिय संवेदनाएं एकाग्र नहीं हो पा रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो शरीर उस दृष्टि से क्रियाक्षम नहीं हो पा रहा है। मन इच्छा करता है, मन विचार करता है, भावों को अनुभव करता है। मनुष्य की सज्जनता मन पर निर्भर करता है। हम कहते हैं मनसि एकम वचसि एकम कर्मण्य एकम महात्मन, मन में एक, वाचन में एक और कर्म में एक। यानी मन वाचन, मैंने जैसे कहा कर्म ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों का प्रयोग, मन कर्म एवं वाचन, मन प्राण एवं शरीर, इन तीनों का एकत्रित होने से महात्मा का निर्माण होता है। यानी मैंने जैसे कहा था कि व्यक्तित्व विकास में ये तीनों महत्वपूर्ण पहलू, एक व्यक्ति के निर्माण, एक महान व्यक्ति के निर्माण में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्माण। मन का विकास का लक्षण क्या है? कब मन विकसित हुआ है? मन एकाग्र होना, मन का शांत होना, यानी मन के उत्तेजनाओं का नियंत्रण होना, मन मनाशक्त होना, मन अनाशक्त होना, मन में आशक्त होना, काम क्रोधादि षडरिपुओं पर नियंत्रण प्राप्त करना, दया करुणा मैत्री जैसे भावनाओं का विकास करना। हमने इन सभी बातों के लिए एक अलग से शिक्षा व्यवस्था, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, लेकिन मन मय कोष का विकास की दृष्टि से हम प्रयत्न नहीं कर रहे, उस दृष्टि से हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए सद्गुण का विकास कैसे होगा? सद्गुण को अलग किसी विषय के रूप में पढ़ाने से सद्गुण का विकास संभव नहीं है। तो उसके लिए मनमय कोष का विकास करना होगा। मनमय कोष का विकास करने हेतु प्राणमय एवं अन्नमय शरीर का, तीनों का संबंध करना होगा, और मन को बुद्धि के वश में करना होगा। बुद्धि यानी क्या है? फिर जब बुद्धि की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से
हम कहते हैं कि विज्ञानमय आत्मा। विज्ञानमय आत्मा क्या है? विज्ञानमय आत्मा यानी वो विशेष क्षमता धारण करने वाली बुद्धि के लिए कहा जाता है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो विशेष तामिर रत रहता है। बुद्धि बुद्धिन्द्रिय सार्थम संवृति ही व्यवसाय, बुद्धि बुद्धिन्द्रिय सार्थम संवृति ही कर्तृलक्षण। कोई कर्तृत्व आता है, कोई व्यवसाय करने लगता है, वो कुछ भी कार्य करता है वह उसके बुद्धि का ही लक्षण है। वो बुद्धि है तब वो कर्तृत्ववान होता है, और वो किसके लिए? वो विज्ञानमय आत्मा के लिए। तो जिसको, जैसे मैंने कहा कि विज्ञानमय कोश यानी जिसको हमने बुद्धि कहते हैं, बुद्धि क्या है? जो जानती है, जो समझती है। मन तो केवल सूचित करता है, अगर बुद्धि मनासक्त हो जाएगा, बुद्धि मन के नियंत्रण में आ जाएगा, तो बुद्धि का स्वतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि मनमय कोष का विकास यानी वह बुद्धि के नियंत्रण में रहे, बुद्धि के अंगीकार्यता को स्वीकार करे। और बुद्धि का कार्य अगर हम ध्यान में रखें, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, युक्ति करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, अनुमान करना, इन सभी चीजों को करना और इनकी इन्हीं को साधन के रूप में प्राप्त करके, इनको साधन के रूप में ज्ञान की प्राप्ति करना, यह बुद्धि का कार्य है। यानी ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया ही विज्ञान है, वह बुद्धि की प्रक्रिया है। बुद्धि वह सभी करती है, इसलिए विज्ञानमय कोश है। ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसी को हम विज्ञान कहते हैं, और बुद्धि यही सब कार्य करती है, इसलिए हम इसको विज्ञानमय कोश या उपनिषद में इसको विज्ञानमय कोश कहा गया है। बुद्धि का कार्य है विवेक का निर्माण करना और उससे निर्णय। बुद्धि का लक्षण क्या है? कैसे दिखता है बुद्धिमान? बुद्धि तेजस्वी होता है, यानी किसी भी विषय को जल्दी से एवं योग्य रूप से सही समझ निर्माण करता है। कोई भी विषय बुद्धि के समक्ष कठिन नहीं है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म बातों को भी समझ लेती है। बुद्धि विशाल होता है, व्यापक से व्यापक विषयों को समझता है। धारण करने की क्षमता, एक बार समझी हुई बातें वो आधारित हो जाता है, यह बुद्धि है। इस प्रकार बौद्धिक विकास, बुद्धिगत विकास होने के पश्चात फिर चैतसिक विकास होता है, जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं या आनंदमय कोश का विकास कहते हैं। चित्त यानी सभी संस्कारों का संग्रह को हमने चित्त कहते हैं। और चित्त यानी जन्म जन्मांतर तक जो संचय करता रहता है वह चित्त के रूप में, संस्कार के रूप में होता है। और यही हमें आनंदमय कोश यानी व्यक्ति का अपने स्वरूप तक प्राप्त कराता है। जब चैतसिक का विकास हो जाता है, इन सभी संस्कारों का लोप हो जाता है, नष्ट हो जाता है, एक नूतन स्वरूप को प्राप्त करता है। यह सर्वस्थिति में अभय एवं स्वतंत्र होता है। सबके लिए चित्त के मन में प्रेम एवं सौंदर्यानुभूति होती है। चित्त सदैव सृजनशीलता, चित्त की प्रवृत्ति सृजनशीलता होती है। चित्त में सदैव आनंद का अनुभव होता है, उसमें दुख नहीं है, वो दुख अतिरिक्त होता है। इसी को ही चित्त का विकास, सही विकास को ही हम कहते हैं कि चित्त शुद्धि। और इसी को ही हम कहते हैं आत्मस्वरूप का बोध, चित्त का बोध होना, विकास हो जाना। इसी को ही कुछ लोगों ने मुक्ति या मोक्ष की बात कहते हैं। अब इन सभी के साथ अगर इन सभी को हमें समन्वित रूप से देखना होगा, एक व्यक्ति के किसी एक अंग, हम कई बार केवल बुद्धि के लेके काम करते हैं, एक कई बार मन को लेके चिंतित होते हैं, कई बार शरीर को लेके चिंतित होते हैं, कई बार प्राण को लेके चिंतित होते हैं। हमारी चिकित्सा पद्धति भी ऐसी है। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण अगर देखेंगे, एकांगी होके होता है तो उसका क्या होता है? अगर शरीर अस्वस्थ हुआ, हमने मन बुद्धि चित्त के बारे में बात किए, तो रोग आएंगे, कार्यक्षमता नहीं रहेगी, अस्वस्थ होता रहेगा।
मन अगर अविकसित हुआ, तनाव होगा, चिंताएं होगी, उत्तेजन रहेगा, रक्तचाप, मधुमेह आदि, हृदय विकार आदि रोगों का भी निर्माण होगा, तो उसमें ज्ञान का निर्माण कर कैसे संभव होगा। प्राण का अविकसित होने से आलस्य, निद्रा, निरुत्साह, प्रमाद आदि बढ़ेंगे। बुद्धि का अविकसित होने से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, चित्त सिद्धि नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं होगी। यदि केवल शरीर का बुद्धि हो गया, आप देखिए पहलवान है लेकिन बुद्धि नहीं है, कार्य नहीं करेगा, उसका उपयोग कोई और करता है। शरीर में असीमित क्षमताएं हैं लेकिन बौद्धिक क्षमता, बुद्धिमता ना होने के कारण उनका प्रयोग कोई दूसरा करता है। बुद्धि है, लिखने पढ़ने आएगा परंतु हाथ पैरों का प्रयोग नहीं हो पाएगा, व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहेगा। यहां तक तो व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास, जैसे हमने कहा पंचकोशात्मक विकास की बात है, इसकी दूसरे पहलू, दूसरे भाग अगर हम कहें, केवल व्यक्ति का विकास को हम सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते। इसके लिए आगे जैसे मैं कहता हूं कि पंडित दीनदयाल जी रखते हैं कि व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, ये तो केवल व्यष्टिगत विकास हुआ। व्यष्टिगत विकास के साथ साथ व्यक्ति का समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास एवं परमेष्टिगत विकास का भी होना अनिवार्य है। मनुष्य, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत एवं भौतिक जगत का जो समन्वय, सामंजस्य है, वह परमेष्टिगत विकास है। यानी व्यक्ति का परमेष्टिगत विकास को प्राप्त करना उसका सर्वांगीण विकास होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, परमात्मा पद को प्राप्त करना, परमेष्टिक पद को प्राप्त करना ही वह समग्र विकास है। ऐसे मनुष्य यानी जिसको हमने आत्मा कहते हैं और परमेष्टिगत विकास होना, उसके लिए सृष्टि, समष्टि, सृष्टि, ये दोनों मुख्य माध्यम है। व्यक्ति का समष्टिगत विकास सृष्टिगत विकास से परमेष्टिगत विकास को प्राप्त होता है और वह व्यक्ति का समग्र विकास का स्वरूप है। इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या हो सकता है? अब अगर हम व्यष्टि का, अभी व्यष्टि के बारे में हम सबने चर्चा की है, व्यष्टि का समष्टिगत विकास क्या है, अगर इस पर चर्चा करें, व्यष्टि समास समष्टि से कब जुड़ता है, व्यष्टि का समष्टिगत परिवर्तन परिवार के साथ, परिवार मतलब उसका प्रथम समष्टि, परिवार से समुदाय, समुदाय से राष्ट्र या देश। अब समष्टिगत विकास का पहला पहलू है परिवारगत विकास। हमने जिस परिवार को अब विद्या केंद्र से अलग रखे, मेरे इसीलिए वक्तव्य की शुरुआत में ही कहा था कि हम एक छोटे से क्षेत्र में ये कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर उसको विद्वान बनाएंगे। आज शिक्षा क्षेत्र में परिवार को विद्या केंद्र मानने के कोई चलन नहीं है, जबकि व्यक्ति को शिक्षित करने में, व्यक्ति को व्यवहारिक करने में, व्यक्ति को जीवन चलाने में परिवार मुख्य विद्या केंद्र है। इसलिए परिवार के प्रथम सोपान में कहा जाता है माता प्रथमो गुरु। इसलिए समष्टिगत का विचार करते वक्त हमें परिवार का विचार करना होगा कि व्यक्ति का परिवारगत विकास होना प्रथमतः आवश्यक है, वो समग्र विकास का स्वरूप है। परिवारगत विकास में क्या क्या पहलू हो सकते हैं, थोड़े जल्दी से हम विचार करेंगे। पहला तो परिवार भावना, परिवार भावना यानी आत्मीय भावना का विकास, अब वो परिवार में संभव है। जब तक व्यक्ति परिवार में नहीं रहेगा, परिवार भावना में बंधे हुए नहीं रहेगा, तब उसमें चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, वो समाज में जाके अन्य किसी व्यक्ति को, उसी के हम उम्र व्यक्ति को भाई नहीं कह पाएगा, अपने बहन जैसे दिखने वाले को बहन नहीं कह पाएगा, पिता जैसे दिखने वाले व्यक्ति को पितृतुल्य नहीं मानेगा। हमने कितने भी नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ा ले, किताब से हिसाब से करें, लेकिन उसके व्यवहारिक जो पक्ष है वह परिवार है। समष्टिगत विकास का पहला चरण है। हमने सामाजिक विकास की बातें चाहे कितने भी पढ़ा दें, किताब से पढ़ने वाला विषय नहीं चलेगा, उसको परिवार रचना का, परिवारगत विकास के तहत परिवार रचना का ज्ञान प्राप्त करना होगा परिवार में। और यह आजकल के फैमिली से नहीं होगा, उसको परिवार, भारतीय संकल्पना के परिवार के अनुसार जाना होगा, जो कुटुंब व्यवस्था है,
आज हम इसलिए इससे परिवारगत विकास ना होने के कारण हमने आज कई सारे संबोधन पदों को भूल गए। आंटी शब्द में मौसी, काकी, चाची आदि सभी शब्दों को समेट लिए हैं और उनके प्रति वैसा भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। अंकल शब्द में काका, मामा, फूफा सभी शब्दों को जोड़ दिए हैं जिससे उनके लिए भी भाव नहीं होता है और संवेदनाएं नहीं है। हम लगातार आक्षेप करते जा रहे हैं। परिवार चलाने की आवश्यकता को भी उनको महसूस करना होगा, परिवार चलने की कार्य कुशलता को उनको अनुभव करना होगा, तब व्यक्ति स्वाभाविक वो किसी भी क्षेत्र में हो वो बेरोजगार नहीं रहेगा। अपने परिवार के प्रति आत्मीयता के भाव से उसमें वह कार्य कुशलता पैदा होगी। परिवार की परंपरा, गौरव, विशेषता, समाज के प्रति परिवार का समाज के प्रति कर्तव्य बोध, जिससे सेवा भाव का निर्माण होगा। सेवा ऐसा अलग करके हम विषय पढ़ाएंगे तो विकसित नहीं होगा। ये सारे के सारे विषय समष्टिगत विषय का, परिवार विषय का, परिवारगत विषय का ही पहला चरण है। इसका दूसरा जो चरण आता है समष्टिगत विकास में, वह समुदायगत विकास। समुदाय का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा? इसका जो व्यवहारिक पहलू है वह व्यवहारिक पहलू है समाज समुदाय का विकास। वह समुदाय विकास का जो आधार है वह आधार है वर्णाश्रम व्यवस्था। जो वर्णाश्रम धर्म है, हर एक वर्ण का अपना समाज के प्रति दायित्व बोध होता है और इस दायित्व बोध से समाज से उसको अनेक विभूतियां प्राप्त होती है। हमारे समाज को आज हमें अधिकार आधारित समाज बना दिया गया, जबकि यह समाज में, भारतीय समाज कभी अधिकार आधारित समाज रहा नहीं, यह कर्तव्य आधारित समाज रहा है। और इसी कर्तव्य आधारित समाज से वो परिवार में होते हुए परिवार का समुदाय के प्रति कर्तव्य बोध का भावना विकसित होता है, परिवारगत विकास। वही समष्टिगत विकास का दूसरा पहलू है समुदायगत विकास, जिसमें वो वर्णाश्रम व्यवस्था को समझता है, वर्णाश्रम व्यवस्था में समाज में रहता है। और इस व्यवस्था के कारण दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं खड़ी होती है, एक भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना एवं अर्थार्जन करना। वर्णाश्रम व्यवस्था का जो प्रमुख आधार है, अलग अलग वर्णों ने अलग अलग भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। अगर इसके साथ, समय बहुत कम है, इसके साथ एक छोटा सा विषय मैं जोड़ना चाहूं इस वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ, कि हमारे भारत को सदैव हमें आत्मविस्तृत करने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया गया है। हमें सदैव यह कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं आज कहता हूं कि भारत कभी कृषि प्रधान देश नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है उसका अर्थ का, ग्रामीण परिवेश में अर्थ का आधार कृषि रहा हो, लेकिन भारत एक उद्योग प्रधान देश रहा है। हमारे लोहार समाज हो, चाहे हमारे कुम्हार समाज हो, इस तरह के हमारे जितने भी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत समाज है, इन्होंने भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना और उनके माध्यम से अर्थार्जन की जो प्रक्रिया है इनको व्यवस्थित किए हैं। यह भारतीय प्रणाली से समुदायगत व्यक्ति में अगर वर्णाश्रम व्यवस्थागत विकास होता है तो इससे भौतिक वस्तुओं का उत्पादन तथा अर्थार्जन, ये दोनों प्रक्रियाएं स्थिर होते हैं। यानी आर्थिक विकास के साथ साथ समाज समृद्धि का भी कारण समुदाय विकास के तहत बनता है। साथ ही साथ सभी समुदाय के बीच में ऐसा एक संबंध निर्माण होता है, जिस बात को आज हम ग्राम स्वावलंबन की बात के साथ चर्चा करते हैं, जिसे सुख, शांति, सुरक्षा आदि सबको प्राप्ति होती है। अब इस समष्टिगत विकास का जो अगला पहलू है वह है राष्ट्रगत विकास, यानी समुदाय का राष्ट्र के संदर्भ में क्या अपेक्षा है। राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है, अपना स्वभाव होता है, और इसी संस्कृति के आधार पर जीवन शैली विकसित होती है या जीवन शक्ति, जीवन शैली को चलाना होता है। अपने राष्ट्रीय आदर्शों को समाज में एवं व्यक्ति के जीवन में लाना आवश्यक होता है। व्यक्ति अगर अपने राष्ट्रीय जीवन शैली को जीने लगता है तो स्वाभाविक उसमें सामुदायिक विकास के साथ साथ राष्ट्रगत विकास भी होता है, जिसे मैंने कहा कि समष्टि के तीन पहलू हैं। इसी दृष्टि से योग्य शिक्षा की आवश्यकता है, राष्ट्रभक्ति
के लिए भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से व्यक्ति को विकसित होने की आवश्यकता है। राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं के अतिरिक्त आंतरिक व्यवस्था में समुदायों के प्रति प्रेम भावना होनी आवश्यक है। वो किसी किताब से नहीं पढ़ सकता, वो तो व्यवहारिक विषय है। राष्ट्र की सार्वभौमिकता का रक्षा करना यह आंतरिक विषय है। राष्ट्र के प्रति मन में निर्माण हुआ प्रेम ही उसकी सार्वभौमिकता को रक्षा करने में समर्थ होगा, और वो संभव केवल एक उत्तम व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति का निर्माण होने से हो सकता है। तो इसके अगले पहलू में, जैसे मैंने कहा कि इसका अंतिम, फिर आगे जाके समष्टिगत विकास में जो विकास, जो अंतिम चरण है उसका है वह विश्वगत विकास। परिवार, समुदाय और राष्ट्र एवं विश्व, जिस बात को आज हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये उसी से निर्माण होता है। विश्व संस्कृति के विकास में राष्ट्र का योगदान क्या है, मेरा राष्ट्र का विश्व के विकास में क्या है, ये मुझे जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। मेरे जीवन शैली राष्ट्र के जीवन से, विश्व के, मेरे राष्ट्रीय जीवन शैली वैश्विक जीवन शैली को विकसित करने में कैसे काम आएगा, उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। अपने राष्ट्र की पहचान एवं गौरव वैश्विक स्तर में हो, यह भी विश्वगत विकास, व्यक्ति में राष्ट्रीय विकास के साथ साथ विश्वगत विकास का चरण होता है। विश्व भर में अवांछित बातों का निराकरण करना एवं वांछित बातों को एकत्रित करना, यह भी विश्वगत विकास का ही उदाहरण है। आज विश्व भर में, पाश्चात्य में हो सकता है, हम कई बार पाश्चात्यों को कोसते हैं कि पाश्चात्य का यह विचार हमारे लिए योग्य नहीं है, लेकिन कई ऐसे विषय भी हैं जो पाश्चात्य के विचार को आवश्यकता है, तो उसको स्वीकार करना उचित होगा। वह वैश्विक विकास है। वैश्विक संकट को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज आप हम देखते हैं कि इस वैश्विक संकट, कोरोना के महामारी के समय, हमारे राष्ट्रीय विचार को लेकर हम क्या मार्ग समाधान कर सकते हैं, इसका प्रयास करने के लिए निरंतर प्रयास करना। इस प्रकार समष्टिगत विकास के साथ विकास में परिवार विकास के साथ, परिवार विकास, समष्टिगत विकास नहीं, परिवार विकास, समुदाय विकास, राष्ट्र विकास एवं विश्वगत विकास, ये चार क्रम सम्मिलित होते हैं। और इसके दूसरे चरण में सृष्टिगत विकास आता है। सृष्टि यानी क्या? मनुष्य अतिरिक्त जगत को ही हमने सृष्टि कहते हैं, और इस सृष्टिगत विकास में भी मनुष्य का दायित्व केंद्र में होता है। इसका भी विचार किया गया है। हमने जैसे कहा कि सभी बातें समग्र रूप से जुड़ा है, जीवन पद्धति में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। पंच महाभूतों, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के प्रति आत्मीय भाव का उत्पन्न करना, प्रेम भाव का उत्पन्न करना, इसका महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए हम जितने भी प्रकार के उत्सव हमारे यहाँ मनाया जाता है, वो सृष्टिगत विकास का ही कारण है। अभी कुछ हाल ही में बटसावित्री गया है, बटवृक्ष के नीचे हम बटवृक्ष को ही पूजन करते। इसी प्रकार भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पशु पक्षी जीव जंतु वृक्षादियों को पूजा करने का अनेक प्रकार है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति में सृष्टिगत विकास को निर्माण करना। सृष्टिगत विकास निर्माण करना यानी क्या है? पंचमहाभूतों, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के प्रति आत्मीय भाव का, प्रेम भाव का निर्माण करना, सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव निर्माण करना, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया का भावना निर्माण करना, यह भूमि मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूं, इस प्रकार की भावना का विकसित करना, यह सृष्टिगत विकास का अंग है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सदैव निरंतर किया गया है। स्व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सृष्टि का दोहन करना, शोषण नहीं, साथ ही साथ सृष्टि का रक्षण करना एवं पोषण करना। इसीलिए गाय से दूध लेते वक्त हमने पहले बछड़े को थोड़ा खाने के लिए छोड़ते हैं,
और हमारी आवश्यकता पूर्ति के पश्चात आवश्यक हम उसके बछड़े के लिए छोड़ते हैं, एवं उसके प्रति हम कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए गो माता ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। नदियों को हमने माता का सम्मान दिया है, गंगा माता गंगा मैया के बारे में हम सभी लोग प्रचलित हम सब लोग परिचित हैं, तो उनसे जल हम प्राप्ति करते हैं, उन्हीं के जल से हमारा शरीर सिंचित होता है, हम स्थिर होते हैं, तो इसलिए इस प्रकार का विकास होना प्रकृति के प्रति यह सृष्टिगत विकास का लक्षण है। और यह सृष्टिगत विकास तब संभव हो पाएगा जब व्यक्ति में समष्टिगत विकास परिवार विकास सही से हुआ है। समष्टिगत विकास से पहले अगर व्यक्ति में व्यष्टिगत विकास सही दृष्टि से हुआ है तो वह संभव हो पाएगा। और इसके अंतिम सोपान में अंतिम चरण में आता है परमेष्टिगत विकास, सृष्टि को परमात्मा के विश्वरूप के रूप में स्वीकार कर उसमें परमात्मा को देखना, यह समग्र विकास का लक्षण है। सर्वांगीण विकास से समग्र विकास की ओर जाना होगा, जिससे क्या भावना विकसित होगी, अहम ब्रह्मास्मि से सर्वम खलुइदं ब्रह्म तक। अहम ब्रह्मास्मि का भाव कुछ लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अहंकार का स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं उस ब्रह्म का अंशभूत हूं, मेरा सर्वांगीण विकास करना उस ब्रह्म के दृष्टि से। मैंने कहा इसलिए आत्मा मन बुद्धि शरीर प्राण आदि पंच आयामों से आत्मा व्यक्त होता है, अर्थात इन सभी का समन्वित रूप से मैं उस ब्रह्म रूप को प्राप्त करूंगा, यानी मेरा सर्वांगीण विकास होगा, यानी मैं व्यष्टिगत मेरा विकास होगा। केवल व्यष्टिगत विकास नहीं, इस अहम ब्रह्मास्मि भावना से मुझे फिर यह जाना होगा जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो, सर्वम खलुइदं ब्रह्म, ये सभी ब्रह्ममय जगत ही चराचर जगत सृष्टि। इसलिए वो शंकराचार्य कहते हैं जग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उससे पहले अगर इन दोनों बातों को हम जोड़ते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलुइदं ब्रह्म, ये सचराचर जगत जो है ये ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं और ये जगत संपूर्ण ब्रह्म ही है। अब इस प्रकार की ब्रह्मात्मक भावना से मुझे अगर मैं सबको सर्वम खलुइदं ब्रह्म विचार कर पा रहा हूं तब मेरा समग्र विकास संभव है। तब जाके मेरे मन में वो भावना आएगा कि वसुधैव कुटुंबकम, जब मैं सबको ब्रह्म मानता हूं, मैं अपने आप को जो मानता हूं आपको भी वही मानता हूं, चराचर जगत को भी वही मानता हूं, वृक्ष को भी वही मानता हूं, सबके प्रति स्नेह भाव एकात्म भाव जब निर्माण होगा तब जाके व्यक्ति का समग्र विकास संभव हो पाएगा। यद यद भूतम तद हितम अत्यंतम तद सत्यम अविधीयते, जो भूत मात्रा का अत्यंत हित करता है वही सत्य है, वही ब्रह्म है, मैं वह ब्रह्म हूं, मेरे लिए भूत मात्रा का भी अहित करने की क्षमता नहीं है, मैं करता ही नहीं। आत्मरह मोक्षार्थम जगदहिताय च, आत्म की मोक्ष के लिए मुझे क्या करना होगा, जगत का विकास करना होगा। मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे समग्र रूप से विकसित होने के लिए करना क्या होगा, जगत हिताय, समग्र विकास का मार्ग है समग्र हिताय। इसको अलग रूप से अलग अलग छोटे छोटे इकाई से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सब ने समृद्धि और विकास को अलग अलग रूप से देखने का स्वरूप, कई बार हम लोगों ने वैज्ञानिक विकास को विकास मानते हैं, आर्थिक विकास को विकास मानते हैं, कुछ इनके विपरीत में धार्मिक विकास को आध्यात्मिक विकास को विकास मानते हैं, जबकि केवल सांस्कृतिक विकास होना भी विकास नहीं है या समृद्धिगत विकास होना भी विकास नहीं है। संस्कृति के बिना आसुरी एवं विनाश की ओर बढ़ेंगे, समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा ही संभव नहीं हो पाएगी। अतः श्रेष्ठ समाज को दोनों प्रकार की विकास की आवश्यकता है, दोनों प्रकार विकास से समन्वित व्यक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए जो योजना कार्य योजना बनानी होगी वह कार्य योजना केवल विद्यालय या कार्य योजना नहीं, इसके लिए विद्यालय शिक्षा के साथ साथ
परिवार शिक्षा के साथ साथ लोक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी। इसकी योजना के तहत हमें गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की शिक्षा करनी होगी, युवावस्था में भी गर्भावस्था की शिक्षा देनी होगी। और वह शिक्षा केवल विद्यालय, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि एक छोटे से क्षेत्र में हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयोग ही इसके लिए पर्याप्त है, इस विचारधारा से थोड़े ऊर्ध्व में जाना होगा। परिवार को भी हमें विद्या केंद्र मानना होगा, विद्या केंद्र की मान्यता देनी होगी, उस दृष्टि से परिवार को भी हमें कुशल बनाना होगा, उस दृष्टि से हमें लोक को भी शिक्षा देनी होगी, लोक में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को भी संस्कारित करनी होगी। लोक व्यवस्था में शिक्षा के तहत, यानी मैं वही कह रहा हूँ, आज की जो मीडिया है, जो लोक में सामान्य रूप से प्रचलित जो शिक्षा व्यवस्था है, इन सभी शिक्षा व्यवस्था को हमें नियंत्रित करनी होगी, इनको प्रशिक्षित करनी होगी। साथ ही साथ गृहस्थाश्रम की, मैंने जैसे कहा कि परिवारगत शिक्षा के लिए गृहस्थाश्रम की शिक्षा देनी होगी, क्योंकि गृहस्थाश्रम से ही समुदाय की शिक्षा निर्माण होगा, परिवार की शिक्षा निर्माण होगा। फिर उसमें से उसके पश्चात गृहस्थाश्रम के पश्चात प्रौढ़ावस्था की शिक्षा भी देनी होगी। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ वृद्धावस्था की शिक्षा भी हमें विचार करना होगा। इन सभी शिक्षा व्यवस्थाओं से, इन सभी प्रकार की शिक्षा योजनाओं से हम समग्र विकास की कल्पना कर सकते हैं। यह इसका एक समग्र स्वरूप बन सकता है और इसको युगानुकूल बनाने हेतु आज हम सभी शिक्षाविदों को विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मेरे व्याख्यान के दौरान कुछ ऐसी उक्ति किसी को कष्ट दिया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और मेरे सभी गुरुजनों, ज्येष्ठजनों, मित्रों में सभी को पुनः एक बार इस विषय की ओर एक सकारात्मक दृष्टि से विचार कर शिक्षा व्यवस्था में एक योग्य एवं आवश्यक परिवर्तन एवं युगानुकूल परिवर्तन के लिए प्रयत्न करने के लिए निवेदन के साथ विषय को इतने में रखता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।